हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टेस्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही पनीर। और शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने पनीर लिया है 250 ग्राम, टोमेटो प्यूरी ली है, एक टोमेटो की है ये, उसके साथ ही हमने ली है मिल्क क्रीम और कुछ गरम मसाले और जीरा और प्याज, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट, और उसके साथ हमने लिया है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम बटर और कुछ मसाले जिसमें हल्दी, मिर्च और नमक है, और उसके साथ ही थोड़ी सी कस्तूरी मेथी है। और आधे कप से थोड़ा ज़्यादा दूध ले लिया अपन ने ग्रेवी के लिए। चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया ये बटर, ये इसमें डालते हैं। सो गाइस, ये हमारा बटर पिघल गया है। अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले। ये गरम मसाले भुन गए हैं, तो अब इसमें ऐड कर रहे हैं अपन प्याज, काजू और हरी मिर्च का पेस्ट। और इसको अपन को ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रखना है, इसको जैसे ही डालते हैं ये पेस्ट अपन को मिलाना है, नहीं तो काजू नीचे लग सकते हैं। ये प्याज भुन गए हैं, अब इसमें हम गार्लिक जिंजर का पेस्ट ऐड करते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटो प्यूरी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको भी पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। टोमेटो का पूरा पानी सोख गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। अब मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं अपन। ये हमारे मसाले भून गए हैं, अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। और अगर आप इसमें जो दूध की मलाई होती है वो यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं अपन। अब हम इसमें ऐड करेंगे पनीर। और आप इसको सही से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि ये मसालों का टेस्ट पनीर में चला जाए। एक या दो मिनट के बाद हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे ग्रेवी के लिए। ये मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क डालने के बाद अपन इसको थोड़ा चलाते रहेंगे जब तक कि एक बॉयल आता है, नहीं तो मिल्क फट जाएगा। अब इसमें एक बॉयल आ गया है, हम इसको दो मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और ये हमारा शाही पनीर बिल्कुल रेडी है। चलिए सर्व करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।